गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः सः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था आत्मनिष्ठा के बारे में। कर्म फल परमात्मा का सिद्धांत है। तन के अंदर रहती हुई आत्मा उस सिद्धांत के साथ जुड़ी रहती है। कर्म फल की व्यवस्था में व्यक्ति से अच्छे और बुरे भूलवश, अज्ञानतावश या जानबूझ करके स्वार्थवश गलत काम हो जाते हैं, परंतु उन भूलों की क्षतिपूर्ति के लिए आत्मा दंड की व्यवस्था रखती है। और दंड को देने का मतलब किसी को सताना नहीं। आज का जो विषय रहेगा वो है शक्ति साधना। शक्ति ताकत को कहते हैं, ताकतवर को कहते हैं। जैसे गरीबों में धनवान को ताकतवर माना जाता है, गरीबों में धनवान को ताकत माना जाता है, बीमारों में स्वस्थ को ताकतवर माना जाता है, मूर्खों में ज्ञानी को ताकतवर माना जाता है। ये सिद्धांत है। व्यक्ति की कमी व्यक्ति की कमजोरी है। कमजोरी का मतलब है ताकत की कमी, अर्थात जिसमें कमी है वो शक्तिहीन है। अब शक्ति को बात आज की है, शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, शक्ति की साधना कैसे की जाए। बढ़ाया जाने का मतलब है जिस तरह से खेत में बो करके अन्न को हम बढ़ा लेते हैं और फिर उसमें से बीज सुरक्षित रख लेते हैं, फिर उसको खेती कर लेते हैं, ऐसी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। शक्ति को बढ़ाने का एक ही तरीका है, अशक्तों की सहायता की जाए, अपनी शक्ति की खेती की जाए परोपकार के लिए। अंदर से देखो, तोल करके देखो, विचार करो बहुत अच्छे से। मैं फिर से कहूंगा, विचार जहां मिलते हैं वहां एकता होती है, जहां एकता होती है वहां शक्ति बढ़ती है। ईश्वर ने संसार की रचना की है, परंतु इसको चलाने के लिए एक रास्ता भी दिया है। जो उस रास्ते पर चलता है ईश्वर से मेल खाता है। पिछले दिनों बताया गया था, आत्मबोध से अपना स्वरूप निखरता है, उतना ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे कार मोटर, हल चलाना, बैल से काम लेना, इनके लिए भी व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, वैसे ही शक्ति से भी काम लेने के लिए उसकी भी साधना करनी पड़ती है। शक्ति की साधना करनी पड़ती है।
इस दुनिया में जो मिला है वह सक्तों को ही मिला है, अशक्तों को नहीं मिला। देख लीजिए, इस दुनिया में जो भी मिला है वो कमजोर को नहीं मिला है, सशक्त को मिला है। और जानते तो हैं, जिनके पास शक्ति होती है उनमें इतनी क्षमता होती है कि परिस्थिति को भी अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। जो अशक्त होते हैं उनको दूसरों की रक्षा तो बाद की बात है, पहले अपनी ही रक्षा नहीं कर पाते हैं। रोते बिलकते कलपते हुए मैंने देखा है। पता होते हुए भी शिकार हुए तो होते हुए देखा है। आर्थिक निर्बलों को गरीबी, अभाव, भूख चारों तरफ से घेरे रखती है। मानसिक निर्बलों को चालाकी, ठगी, उन्हें भोंदू, मूर्ख, बुद्धू बना करके अपमानित किया जाता है। और आध्यात्मिक कमजोरी के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शोक, चिंता, भय, ये सब सताते रहते हैं। जिनको ये हो वो उस क्षेत्र का कमजोर है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, सशक्त कौन? जो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ले और घटनाओं को भी घटाने की क्षमता रखता हो, घटनाओं को मुंह मोड़ने की क्षमता जिसके अंदर हो, उसको आप सशक्त कहना। ये भीतरी शत्रु हर वक्त हमको सताते रहते हैं। सामाजिक, बौद्धिक, व्यवहारिक निर्बलताओं के भी ऐसे ही दुखदायी परिणाम, दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। आदमी भोग रहा है, बस गड़बड़ एक ही है, वो संभल नहीं रहा, वो जागृति नहीं ला रहा, वो अवरोध को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहा। आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ही कहा था, जितना आपको आत्मबोध होता चला जाएगा, आत्म स्वरूप उतना ही निखरता चला जाएगा। और आप परमात्मा की श्रेणी में, महापुरुष की श्रेणी में उतने ही आते चले जाएंगे। संत, ऋषि, महात्मा, महापुरुष आप बनते चले जाएंगे। इसके विपरीत जो इस इष्ट से बलवान है वो उसी प्रकार के साधन, वैभव, आनंद को उपलब्ध कर पाता है, उसी प्रकार के। जिस तरह की शक्ति के साथ आप जाकर के जुड़ गए, आपकी विचारधारा जिस शक्ति की तरफ जाकर के जुड़ गई, उसी क्षेत्र में वैभव भी और आनंद भी आप प्राप्त करने लग जाएंगे। अशक्ति या कहिए आसक्ति, आसक्ति
एक पाप है जिससे दूसरों के साथ अन्याय किया जाता है। दो व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं, दोनों लोभी हैं, अकेले फायदा नहीं उठा करके मिलकर के काम करते हैं, परंतु वो अपने भौतिक फायदे के लिए उस काम को करते हैं, आत्मिकता नहीं है उसमें। दोबारा से कहूंगा, एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों आपस में अपने संबंध बनाते हैं तो, परंतु अपने साथी को धोखा देते हैं आसक्ति के कारण, वो उनकी कमजोरी है। वो अपने परिवार को, अपने साथी को, सबको धोखा दे रहे हैं, इसलिए आसक्ति पाप है। जिसके कारण दूसरों को अन्याय, शोषण और आक्रमण करने का प्रलोभन मिलता है। देख लीजिए, कहते हैं दुर्बल को जालिम का पिता कहा गया है, दुर्बल को जालिम का पिता कहा गया है। जिस प्रकार गंदगी में मक्खियां मच्छर पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं, बोए नहीं जाते उनमें, गंदगी में से गंदगी अपने आप पैदा होती है उसको खाने के लिए, उसी प्रकार दुर्बलता से पाप पैदा होता है, गंदगी से दुर्गंध पैदा होती है, दुर्बलता से पाप पैदा होता है। दुर्बल व्यक्ति की नैतिकता, जो उसका नैतिक स्तर है, वो उससे गिर जाता है, और नैतिक स्तर से गिर जाने के कारण वो कमजोर हो जाता है। आप देखते होंगे टाट के बोरे को, अगर उसमें कोई चीज नहीं भरी गई है और आप उसे खड़ा करना चाहें तो वो खड़ा नहीं होता, गिर जाता है। सीधा खड़ा वो तभी रह सकता है जब उसके अंदर कुछ भरा होगा। वो अशक्त तो होता है, अशक्त तो होने के कारण गिर जाता है, अभावग्रस्त और दुखी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर के दुष्कर्मों को करने के लिए आसक्त तो हो जाते हैं। आप सोच करके देखो, आज बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं, उनकी योग्यता के अनुसार अगर उनको उचित कार्य ना मिले तो उनका मनोबल कमजोर पड़ जाता है। अपने स्तर के अनुसार अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वो समाज में गलत रास्ते पर चले जाते हैं और समाज को कमजोर करते हैं। अपने को धोखा देते हैं, खुद धोखा पाते हैं। पतन की बात कर रहा था, अभावग्रस्तता की बात कर रहा था। अगर जिस आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार काम करने के लिए मिल गया, वो अपने काम में जाकर के मस्त हो जाता है, वो गलत काम में क्यों जाएगा?
आवश्यकताओं से प्रेरित होकर के आदमी दुष्कर्म करने पर आसानी से तैयार हो जाता है। इस प्रकार वो स्वयं भी पाप के गर्क में गिरता है, जो उसके संपर्क में आते हैं वो भी उसके साथ पाप के गर्क में गिर जाते हैं। और वो अन्याय करने वालों की संख्या में वो भी जाकर के शामिल हो जाता है। इससे अन्यायियों की संख्या उत्तरोत्तर जगत में बढ़ती हुई चली जाती है। आप लोग यज्ञ कराते हैं और यज्ञ ऐसे भी कराते हैं जो 5 कुंडी, 9 कुंडी, 108 कुंडी, 24 कुंडी अश्वमेध यज्ञ उस तरह के कराते हैं। उनको कराने का मतलब ही है कि भावनाशील व्यक्ति भावना से भर करके परिपूर्ण होकर के समाज में जब एक आदर्श को पैदा करते हैं तो उससे समाज का स्तर मजबूत और ऊंचा होता है। अगर कुछ भावनाशील व्यक्ति एकजुट होकर के, क्योंकि अच्छे काम अकेले नहीं कर सकता, मिलकर के हो सकते हैं, गिरने का काम अकेला कर सकता है। अगर पहाड़ की चोटी पर कोई पत्थर हो और आदमी के खुद के वजन से 4-5 गुना भारी हो तो उसे वो चोटी से धरती पर मैदान में गिरा सकता है। अकल लगाएगा, अड़ंगी लगाएगा, उसको लुढ़काएगा और पतन में गिरा देगा। ऐसी हमारी कमजोरी भी हमें इस संसार के नरक में, पतन में, गर्क में गिरा देती है। मैं पूछता हूं, गरीब वो है जिसके पास पैसा नहीं है या गरीब वो है जिसके पास मन नहीं है? एक गरीबी तन की होती है, एक गरीबी मन की होती है। तन की गरीबी कोई बुरी नहीं होती, मन की गरीबी बहुत बुरी होती है। बुरी नहीं, बहुत बुरी होती है। मन के गरीब को कितना ही मिल जाए उसकी पूर्ति नहीं होती है। तन का गरीब तो सबर कर लेता है, नहीं भी है तो रास्ता ढूंढ लेता है, सबर कर लेता है। अभावग्रस्त मनुष्य ही दुखी कहे गए हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, अभावग्रस्तता को छोड़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता हुआ चला जाएगा वैसे ही वैसे हमारे अंदर आत्मिक शक्ति का भी बढ़ावा होता जाएगा, प्रेरित होगा अंदर से। वैसी विचारधारा से अंदर से प्रेरित होगा और वो प्रेरणा उसकी विचारणा को शक्ति देगी और वो मजबूत बनता चला जाएगा। अभावग्रस्त आदमी दुखी रहता है, दिखाई नहीं देता है उसका दुख, पर दुख उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। क्योंकि वो दुख की अभावकता से, दुख से नहीं,
दुख की सोच से ही पीड़ित रहता है। कहते हैं यमराज ने मौत को भेजा, जा धरती से चुन करके 10 व्यक्ति ले आ। पर जब वो लौट करके गई 10 आदमियों को लेकर के, तो 90 और साथ लग लिए। यमराज ने पूछा मंगाए तो 10 थे, इतने क्यों आए? उन्होंने कहा जी मैं तो गिनकर 10 ही लाई हूं, 90 मेरे भय के कारण अपने आप आ गई, मौत के डर से। ऐसे ही मैंने कहा है व्यक्ति को भय, चिंता, शोक वो अंदर से सताते रहते हैं, व्यक्ति उनके सामने आसक्त होकर के कमजोर बना रहता है और अपनी निज की जो क्षमताएं होती हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाता। दुष्कर्म आसानी से हो जाते हैं, इसलिए करने वाले उस पर उतारू हो जाते हैं। दुष्कर्म को करने के लिए करने वाले दुष्कर्म पर उतारू हो जाते हैं। मैं पूछता हूं, सवाल कर रहा हूं आपसे, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में द्वंद्व ना आया हो? द्वंद्व एक द्विधा है, दो तरह की धारणा, क्या ठीक है क्या गलत है। ऐसे पल जब व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं रह जाता, कोई निर्णय नहीं कर पाता। और निर्णय ना करने की स्थिति में, फैसला ना लेने की स्थिति में असमंजस में फंसा रहता है। और इस अनिर्णय की स्थिति के कारण वो अपने बहुमूल्य अवसरों को व्यर्थ में गंवा देता है, बेकार कर देता है। ये असमंजस है। इस अनिर्णय की स्थिति के कारण हम अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ करते रहते हैं, जिस पर कदम रखकर हम न जाने कहां पहुंच सकते थे, कितनी ऊंचाइयों को धारण कर सकते थे, कुछ विशेष कर सकते थे, परंतु कदम ना बढ़ाने के कारण जस की तस स्थिति में पड़े रहे। सोचो एक ऐसी अवस्था में हम पड़े रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के बजाय परिस्थितियों के गुलाम बने रहे। सारी जिंदगी व्यक्ति का समय इसी गुलामियत में कटता हुआ चला जाता है। कल्पना करो, देखो, जीवन में समय पर लिए गए फैसले और निर्णय हमारे भाग्य को निखारते हैं। वही लिए गए कुछ गलत निर्णय गलत फैसले हमारा भाग्य अंधकार के गर्क में ले जाकर के गिरा देते हैं। अंधकार और दुर्भाग्य से आदमी घिर जाता है। मैं बड़ा ललकार करके आप सबसे कह रहा हूं, आप में सब तरह की क्षमताएं हैं। अगर आप अपनी शक्ति को जगा लें तो आप में सब तरह की क्षमताएं हैं। जो ईश्वर की विशेषताएं हैं वो ही आपकी विशेषताएं हैं।
इसलिए कुछ फैसलों को, निर्णयों के कारण जो हमारे अंदर निखार आता है, सही निर्णय क्रियाशील ना होने के कारण हम असमंजस कहिए या जस की तस स्थिति में पड़े रहते हैं और अपना पतन करते रहते हैं। अंधकार बुरा होता है क्योंकि उससे दुर्भाग्य पैदा होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक अंधेरा तो ये है जो रात को होता है, जब होता है तो लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रकाश में आंख देखती है, सच को देखो। पर एक प्रकाश किसका है? अंतःकरण का है। उसको आत्मा देखती है। हम सभी को अपने जीवन में फैसले लेने होंगे। एक क्षण का कार्य होता है ये, बहुत लंबा समय नहीं लग चाहिए, लेकिन इसका परिणाम दीर्घकालिक होता है। जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित करने का यही एक तरीका है। सही फैसला लेकर के ना केवल जीवन की दिशा धारा मोड़ी जा सकती है, बल्कि लिया गया थोड़ा सा भी हमारा गलत निर्णय जीवन की सामान्य गतिविधियों को असामान्य करने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसे निर्णय हमको लेने चाहिए जिससे हमारी शक्ति का संवर्धन हो। फैसले और निर्णय लेने की जो परंपरा है, प्रतिक्रिया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाती है। जो निर्णय समय रहते लिए जाते हैं और अमल में लाए जाते हैं, वे अपना आश्चर्यजनक परिणाम दिखाते हैं। गरीबी, अभाव, अशक्ति ये मिटती हैं। परम पूज गुरुदेव ने कहा है, इस दुनिया के तीन बड़े राक्षस हैं, अभाव, अनाशक्ति और अज्ञानता। ये तीन बड़े राक्षस इस दुनिया के हैं। आप एक सच को देखिए, निर्णय लेने की क्षमता उसके रुझान के अनुसार, विचार के रुझान के अनुसार उधरी जाती है जिस क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि होती है। चोरी करना किसी का शौक नहीं है, परंतु उसका निकम्मापन है तो उसकी कमजोरी है। उस कमजोरी के लिए व्यक्ति पाप करके अपनी पूर्ति करता है, परंतु वो पूर्ति नहीं है और फंसाती है। इसलिए हमारे निर्णय बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सटीक और समय से लिए हुए होने चाहिए,
परंतु उनमें निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए। जो निर्णय लिया जाए उसको साकार रूप दिया जाए। समय सीमा के बाहर एक सेकंड का विलंब भी भयंकर हानि हमको पहुंचाने में समर्थ है और अपना काम करता है। ईश्वरीय विधान को नहीं बदला जा सकता, वो अपना काम अपने आप अपने समय पर अपने आप करता रहता है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। मैंने आसक्ति की बात अभी आपसे की थी। जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में आसक्ति है, वो ना चाह करके भी उस क्षेत्र में जबरदस्ती आसक्ति के कारण धकेला जाता है। उसी में उसको अपना भला अपना सुख शारीरिक या इंद्रिय उसको दिखने लग जाता है। और बुराई हमेशा एक सेकंड में काम करती है, अपना काम करके वो चली जाती है, फिर आदमी सारी जिंदगी पछताता है। और भयंकर हानि को उठाता है। इसलिए फैसले लेने के लिए सही समय पर कार्य करना बेहद जरूरी है। टालिए मत, टालने वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मजबूर होता है, किसी और से नहीं अपने आप से। जो आदमी आज का काम आज पूर्ण करता है, पीछे के लिए नहीं छोड़ता है, समय पर लिया गया निर्णय बिल्कुल सटीक होता है, क्योंकि समय उसमें व्यक्ति को अपनी गति का भान कराता है, आभास कराता है। इसलिए निर्णय लेने के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। आपको अपने निर्णय को अपने आप करना ही चाहिए। अगर अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर उसकी अपनी बुराइयों की, संसार की या किसी की मत कहना, अपनी कमजोरियां उसके ऊपर हावी रहती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सही समय पर लिए गए निर्णय से व्यक्ति को सफलता मिलती ही मिलती है। इसलिए निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। शक्ति का संबंध अनन्य रूप से शिव के साथ है। हम भोले बाबा का चित्र बना लेते हैं, उसी को शिव समझते हैं। सही समय पर जो निर्णय ले और उसकी शक्ति उसका साथ दे, वो सब उसी के अंदर है। अगर कोई व्यक्ति शिव भगवान की पूजा करता है तो उस पूजा का मतलब यही है कि वो समय पर सही निर्णय ले। इस संबंध में लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम प्रकृति पुरुष की भांति शक्ति का प्राण से प्रगाढ़ संबंध है। उनकी साधना से हम
अभीष्ट बातों को प्राप्त करते हैं और लक्ष्य स्थान तक पहुंचते हैं, स्वर्ग मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति का ये सबसे सटीक रूप है। पहले जितने भी महापुरुष संत मुनि हुए वो समाज के कार्य में व्यस्त रहते थे पर समाज से भिक्षा भी लेते थे। वो कहते थे हम समाज का दिया हुआ खाते हैं इसलिए समाज के ऋणी हैं, पर समाज से जितना लेते थे उससे कितने गुना ज्यादा समाज को वापसी कर देते थे, फिर भी कहते थे हम समाज के ऋणी हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं अच्छाई भलाई परोपकार इसके हम ऋणी रहे। साधना से ही हम अभीष्ट बलों को प्राप्त कर सकते हैं और एक लक्ष्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति का ये सबसे अभीष्ट रूप है। भिक्षा के रूप में किसी की कृपा मिलती है या नहीं मिलती है ये पुरुषार्थी की अटूट श्रद्धा अटूट निष्ठा अटूट शक्ति के ऊपर निर्भर है। आंतरिक और बाह्य लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए सुख शांति के लिए शक्ति साधना बहुत ही आवश्यक कार्य है। इस दृष्टि से व्यक्ति को बलवान बनना पड़ता है। और आत्मिक रूप में अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ता है। यही अध्यात्म का सही रास्ता है। इस रास्ते पर चल करके हम अपने आप को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां तक आज का कोई आदमी गया है। समय पूरा हो चुका है इसलिए आज की बात को यहीं पर मैं संपन्न कर रहा हूं। शक्ति की साधना के बारे में आपको कहा गया है, गलत सोच में हर वक्त सोचता रहता है अपनी शक्ति का क्षरण करता रहता है, इसलिए हमारा मानसिक स्तर सदैव सात्विक शुद्ध पवित्र होना चाहिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।